नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 37,371 के आसपास, हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। और कल की क्लोजिंग से लगभग हम 331 पॉइंट डाउन आके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। एक समय हम सुबह के सेशन में हम लगभग 850 पॉइंट से ज़्यादा हम डाउन थे, लेकिन उसके बाद हमने बहुत अच्छी रिकवरी की और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया आके 37,371 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जो है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि दो बार हम इसी जगह से हमने पुल बैक लिया है। और पुल बैक भी हमने ऐसी जगह पर लिया है क्योंकि बड़ा फॉल के बाद हमने यहाँ से पुल बैक लिया है। यहाँ पर भी हमने बड़े फॉल के बाद पुल बैक लिया था, यहाँ पर भी हम बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे पुल बैक लिया है बैंक निफ्टी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आप नज़र बना के हमको रखनी पड़ेगी। कल की वीडियो में ही मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, वो है 36,900। जब तक हम 36,900 के नीचे क्लोज नहीं होते हैं ना, तब तक बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा और बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता रहेगा। ध्यान रखिएगा, 36,900 के नीचे की क्लोजिंग ही हमें यहाँ पे 36,000 के पास लेके आ सकती है। जब तक हम 36,900 से ऊपर क्लोज करते रहेंगे डेली चार्ट पे, तब तक चांसेस है कि जब भी हम 36,900 या 37,000 इंट्राडे में आएंगे, वहाँ से हमको एक बाउंस बैक मिल सकता है। ऊपर की साइड में जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रही, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन अब पैक हो रही, मतलब अब जगह नहीं बची है बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको यहाँ, फिर यहाँ, इसके बाद कहीं ना कहीं किसी साइड में बैंक निफ्टी को निकलना है। और जब भी बैंक निफ्टी निकलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कम से कम डायरेक्शनल मूव आपको 1200 से 1500 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी देगा। अगर बैंक निफ्टी 36,900 के नीचे कंटिन्यू क्लोज करता है और उसके नीचे, उसके लो के नीचे ही ट्रेड करता है, तो यहाँ पे आपको टारगेट 36,000 और 35,500 को देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऊपर की साइड में हम 38,000 के ऊपर जाके क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे हमें टारगेट 39,000 और 40,000 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेली चार्ट पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए, आज मैंने दोनों ही ग्रुप में, सुबह सुबह दोनों ही ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी को बाइंग करना है। पहला बैंक निफ्टी मैंने बाइंग करने के लिए दिया था 37,060 पे, तो बैंक निफ्टी ने वहाँ पे हाई जो लगाया वो लगाया 37,177 का। उसके बाद फिर मैंने वापस बैंक निफ्टी जब यहाँ से डाउन होकर नीचे आया, तो फिर से मैंने दोनों ही ग्रुप में दिया 37,000 बाइंग करने के लिए, और यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ने वन वे मूव दिया, ये मूव लेके गया बैंक निफ्टी को 37,300 के ऊपर, 37,300 के ऊपर ये मूव बैंक निफ्टी को लेके गया था जब मैंने 37,000 पे बाइंग करने के लिए दिया। एसएल मैंने यहाँ पे आपको 36,900 का दिया था। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप में मैंने अपडेट किया था। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 37,000 की कॉल मैंने बाइंग करने के लिए दी थी 470 के आसपास, शायद 470 ही लेवल है, 470 पे। और उसने यहाँ से जब ये मूव आया था, तो हमें इसने 670 का हाई, इसने ये है 670 का हाई इसने दिया था। उसके बाद मैंने निफ्टी बाइंग करने के लिए दिया था, तो निफ्टी ने भी वहाँ से 70 से 80 पॉइंट का एक बहुत अच्छी रैली निफ्टी ने भी वहाँ पर दी थी। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में बहुत सारे मैं अपडेट डालते रहता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन के, तो वहाँ पे आप उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पे आज मैं अपने ट्रेड कुछ दिखा दूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है लगभग 20,90,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रॉफिट मुझे हुआ है 37,100 की कॉल और 37,200 की कॉल में। ये मैंने तब लिया था जब बैंक निफ्टी दोबारा 2 बजे के बाद जो अच्छा मूव आया था, जिसमें बैंक निफ्टी ने लगभग वन वे 400 पॉइंट की मूवमेंट दिया था, वहाँ पर मैंने छोटी क्वान्टिटी में ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला। और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिला, सुबह तक जो प्रॉफिट था वो लगभग 7,000 के लमसम का प्रॉफिट मेरा सुबह तक था। ये ट्रेड भी मैंने आप लोग को दिखाने के लिए लिया था, और सुबह तक जो प्रॉफिट था 7,000 था, इसमें भी 1,000 का प्रॉफिट, 1,00,000 का प्रॉफिट इसमें भी था, 1,15,00,000 का प्रॉफिट शायद था, तो 6,90,000 या समथिंग ऐसा कुछ प्रॉफिट मेरा सुबह के सेशन में हुआ था। उसके बाद से मैं वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी कुछ अच्छी जगह मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखने को मिला, तो ये बहुत ज़बरदस्त मूव मैंने पकड़ा। अगर इसका लॉजिक आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर उसका लॉजिक डाल दूंगा। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखते हो, थोड़ी वीडियो देखते हो और भाग जाते हो, तो जब तक आप
वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे ना, चीज़ों को नहीं समझ पाओगे और पकड़ नहीं पाओगे कभी भी। मैं कितना स्ट्रांगली क्यों बोल रहा था कि बैंक निफ्टी 37,900 के लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। देखिए वहाँ से उसने दो बार भले एक बार उसने 100 पॉइंट ही दिया, 100 160 पॉइंट ही दिए, लेकिन दूसरी बार उसने 300 पॉइंट दिए। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पर कुछ पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सुबह हम ओपन हुए, फिर नीचे आए, फिर धीरे धीरे करके हमने ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पर भी जब भी देखेंगे ना, बैंक निफ्टी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट यानी 37,200 37,150, ये स्ट्रांग बाई जोन होगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर ये होल्ड करेगा। ये कैसे यहाँ पर होल्ड किया, दिख रहा है? ये इस लेवल के आसपास होल्ड किया। इसी तरह से आके अगर इस लेवल के आसपास होल्ड करके ऊपर की साइड में निकलता है तो ये स्ट्रांग बाइंग जोन मिलेगा आपको। फिर से वापस ये 37,400 37,500 के पास तक ले जाएगा। लेकिन अगर इसी जोन में ये कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये वापस 36,900 37,000 के पास आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन हमें मिल जाए, जैसे आज क्लोज है 371 पे, तो अगर 150 200 पॉइंट का गैप डाउन मिले और इस जोन में आके मिले और इस जोन में सुबह की एक 5 मिनट की पहली कैंडल कोई ग्रीन कैंडल हैमर बन जाए या ड्रैगन फ्लाई बन जाए, तो उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी को। मुझे लगता है फिर बैंक निफ्टी 37,400 37,500 वाला लेवल वापस दिखा सकता है। अगर यहाँ पर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मिल जाए, मान लीजिए इसी लेवल के आसपास वापस गैप डाउन मान लीजिए 300 400 पॉइंट हो जाए, तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, कुछ रहेगा तो मैं दोनों ही ग्रुप में अपडेट करके बताऊंगा। सुबह का पहला जो ट्रेड होगा बैंक निफ्टी का, वो मैं दोनों ही ग्रुप में अपडेट करके बताता हूं। ऑप्शन की पोस्ट सिर्फ अपने प्रीमियम ग्रुप में डालूंगा, निफ्टी के कुछ पोस्ट रहेंगे वो अपने प्रीमियम ग्रुप में डालूंगा। वो लोग जो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो प्रीमियम ग्रुप में आके वो चीजें आप सीख सकते हो। तो यहां पर सुबह कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को अपडेट करके बताऊंगा। अगर बड़ा गैप डाउन 300 400 पॉइंट का होता है, जैसा कि मैंने बताया, पहली कैंडल पर नजर बना के रखिएगा, जैसे हैमर कैंडल बनी हैमर के ऊपर आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। यहां पर बड़ा अगर गैप अप मिल गया, गैप अप ये 700 और 800 ये रेंज दिख रहा है, ये हमारे लिए कल हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। अगर इस रेंज को निकालता है बैंक निफ्टी कुछ देर होल्ड करने के बाद, ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए हमें यहाँ से 250 300 पॉइंट का गैप अप मिलता है और ये 500 और 600 के बीच में ओपन होता है बैंक निफ्टी, 500 600 के बीच में अगर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है 10 15 मिनट और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी के चांसेस है कि बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास तक आ सकता है। तो अब मैं कल कौन सी पुट या कौन सी कॉल लूंगा उसके बारे में भी जरा समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है 250 300 पॉइंट तो मैं यहाँ पे 37,000 की कॉल लेना पसंद करूँगा। लेकिन कब पसंद करूँगा? जब ये इस तरह की सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ट्रेंड लाइन खींच के यहाँ पे बताया, दो कंडीशन बनेगी, या तो इस जगह पे ओपन हो और यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, या फिर अगर 300 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, पहली कैंडल हैमर बनेगी तो मैं यहाँ पे 37,000 की कॉल लूँगा, 37,000 37,100 की कॉल लेना पसंद करूँगा मैं यहाँ पे। अगर इसी जगह पे हैमर बनती है तब, गैप डाउन 300 400 पॉइंट होता है और हैमर बनती है तभी मैं लूँगा, या फिर वेट करूँगा, फिर कोई रेंज बनेगी उस रेंज को मैं ट्रेड करूँगा ऊपर या नीचे की साइड में, फिर उस रेंज को मैं ट्रेड करूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है, मान लीजिए 600 700 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है इस जगह के आसपास कहीं पर गैप अप ओपन होता है, तो मैं वेट करूँगा, पहली कैंडल अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो बैंक निफ्टी वापस नीचे की साइड में 37,600 37,700 के आसपास आ सकता है। अगर हम इसी जोन में ओपन होते हैं ना तो ये ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन होंगे तो ये ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद कुछ रहेगा तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में आप लोग को अपडेट करके जरूर बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग 2,04,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चार्ट में पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ऐसे कौन से बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक के पास 1500 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये 1490 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये 1500 के ऊपर जाने की कोशिश हर बार करता है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अगर ये 1490 के नीचे क्लोज करेगा तभी यहाँ पे नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे, और अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना तो ये ट्रेंड लाइन के पास ही ये अभी सपोर्ट लेके काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी आता है तो यहाँ पे ये बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए। और ऊपर की साइड में इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आता है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी की तरह। जिस साइड में ब्रेक करेगा वहाँ पे आपको 50 से 60 पॉइंट की एक मूव यहाँ पे HDFC बैंक में देखने को
को मिलेगी और ये बैंक निफ्टी को भी उसी दिशा में डायरेक्शन में लेके चलेगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ICICI बैंक यहाँ पे मेरा अभी व्यू क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। एक्सिस बैंक देखिए नीचे की साइड में ब्रेक वो गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे। SBI ध्यान रखिएगा 500 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अभी 500 के नीचे इसने क्लोज किया है। कल अगर ये वापस 503 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो जाहिर सी बात है अगर ये लो को ब्रेक करेगा तो फिर कल इसके इंट्राडे के टारगेट होंगे 485 और 480 के। कोटक बैंक ये थोड़ा ठीक ठाक जगह पे है कि कंटिन्यू 3 दिनों से देखिए पहले लो को मेंटेन कर रहा था, आज भी नीचे ओपन हुआ लेकिन नीचे नहीं गया, वापस वहीं से वे ऊपर आया है। तो अब हम यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये 1850 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं कोटक बैंक को। इंडसइंड बैंक जैसे कि मैंने SL का बताया था 925 क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक कि 925 ब्रेक ना करे अगर आपके पास पोजीशन है तो इसको होल्ड कीजिए। यहाँ पे RBL बैंक में मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है, वेट कीजिए। बंधन बैंक 310 और 330 ये दो लेवल थे, तो 310 के नीचे ये क्लोज किया लेकिन ये गैप डाउन ही ओपन हुआ है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए वापस इसको 310 315 जाने दीजिए और वहाँ पे से अगर रिवर्स होता है तब आप इसमें नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। AU बैंक इंतजार कीजिए जब तक ये 1220-1230 वाले लेवल, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये दरअसल सपोर्ट जोन है, 1200 से 1250 ना ये इसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिए। अगर कोई शॉर्ट ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से 1200 के नीचे ही बनेगा, 1200 के आसपास अगर मिलता है तो इसको एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग कर सकते हैं AU बैंक को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।